अच्छा, तो फाइनली हम लोग क्लॉक टावर आ गए हैं और बहुत इस वक्त हो रहे हैं 5:07 का में। अभी अभी हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ पे हवा बड़ी ज़बरदस्त चल रही है और बाल मेरे ज़बरदस्त वाले उड़ रहे हैं। और ये आप व्यू देख सकते हैं, हम इस वक्त आउट डाइनिंग आउटडोर की तरफ बैठे हुए। अभी थोड़ी देर में जो है ना अफ्तारी का टाइम हो जाएगा, तो अभी खाना लेने के लिए जा रहे हैं और खाना मिलते ही फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने खाने में क्या क्या लिया है। यहाँ पे बुफे सिस्टम ही है, यहाँ पे इस वक्त खजूर बड़े अच्छे तरीके से रखे गए हैं। ये देखिए पूरे पैक खजूर रखे गए हुए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें, और सर्विस तो यहाँ की बहुत ही आला है हमेशा की तरह। मेरे बाल इस वक्त ख़राब हो रहे हैं, सही बात है। ठीक है, तो अब जब हम प्लेट अपनी सजा लेंगे उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने अफ्तारी में क्या क्या चीज़ें ली। अच्छा जी, प्लेट बना ली है। अगर ये अजान का वक्त हुआ चाहता है, अजान का वक्त हुआ इफ्तार अल्लाहु अकबर। أشهد أن لا إله إلا الله। इस वक्त मैं हूँ कराची वाइज के आसिफ के साथ और हमने इस वक्त क्लॉक टावर से, जैसे कि अभी पिछली वीडियो में आप देखेंगे कि मैं अफ्तारी करने आया था, बहुत बड़ा फैन इनका और मुझे बहुत नर्वस हो रहा इनके सामने, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड फीलिंग सो एक्साइटेड इनके साथ खड़े होके। तो भाई इनका चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, हर चीज करने महाकाल का तबाह कर लाइक से ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। बस देखें और वो कॉल आ रही है। थैंक यू सो मच कल भाई के लिए बताइए। आज फाइनली हम लोग वापस जा रहे हैं अब, और हालत बहुत बुरी होती हो रही है। मैंने इतनी मुश्किलों से यहाँ की लाइटें ऑन की हुई हैं, एक ये मोबाइल की लाइट है और एक गाड़ी की लाइट है, ताकि थोड़ा अंधेरा कम हो और यहाँ पे रोशनी ज़्यादा हो। और अब वापस जा रहे हैं घर की तरफ। बहुत मज़ा आया अफ्तार बुफे प्लस डिनर, क्लॉक टावर का वाकई बहुत अच्छा और खाना भी बहुत अच्छा था। क्वालिटी क्वान्टिटी एवरीथिंग वॉज सो गुड। और मैंने तो आप लोगों को सबको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको बुफे में आना है, यानी इफ्तार बुफे अगर कहीं पर भी जाएं तो बहुत बेहतर है क्लॉक टावर चले जाएं। मतलब बाकी तो जितनी भी जगह है ना, तंदूर है और पता नहीं कौन कौन से लोगों ने नए नए नाम रखे हुए, वो बिल्कुल ज़रा भी अच्छे नहीं हैं। और हाईवे वाले भी ज़रा अच्छे नहीं हैं, दो दरिया वाले भी अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है और जगह बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन क्लॉक टावर में ये है कि हम जैसे कि हम विदाउट रिजर्वेशन गए थे और उन्होंने हमें बिठा दिया था, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इसको। और मेरी वीडियो अब सही आ रही है, अभी सही आ रही है, देख के भाई एक्सीडेंट नहीं हो जाए। हाँ ऐसे ही में अच्छा कुछ उसकी डकारे भी आ रही हैं जो आखिर में मीठा खाया था। अच्छा, वहाँ पे हमें एक कराची वाइन्स के आसिम अवान जो हैं, आसिम भाई मिले थे, बहुत हम्बल और बहुत अच्छे इंसान थे। आपने देखा होगा जैसे कि वीडियो के अंदर थोड़ा शोर ज़्यादा था, इसी वजह से उनकी वॉइस नहीं आई, तो उन्होंने यही कहा था कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जब उन्होंने कह दिया तो अब सबको लाजमी करना पड़ेगा। अच्छा, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, तो यार वीडियोस इसलिए नहीं आ रही कि रमज़ान है, पूरा दिन इतना टफ होता है कि मैं रात को 11:30 बजे फारिग होता हूँ अपने सारे कामों से, तो जिसकी वजह से मैं कहीं बाहर नहीं जा पाता। और आजकल वारिस साहब भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, तो खैर इंशाल्लाह ये वाली वीडियो तो बहुत जल्द मैं एडिट करके डाल दूंगा और आप लोगों से इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मिलेंगे। ईद पे भी मिलेंगे, ईद पे वीडियोस बनाऊंगा, कहीं ना कहीं जाना होगा तो। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें कैसी लगी वीडियो, और इंशाल्लाह और वीडियोज़ आएँगे। चलें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।